सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने देश के कई इलाकों में गोरक्षा के नाम पर होने वाली हिंसा के मामले को दुखद बताया है। भट्टाचार्य ने इस तरह की हिंसा के मामले में स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह सर्वोच्च न्यायालय से किया है। भट्टाचार्य ने कहा कि इस तरह की हिंसा के मामले को आतंकवादी घटना मानकर कार्रवाई करनी चाहिए। एक तो जिस तरह से गोरक्षा के नाम पर हिंसा और हत्या की खबर आ रही है, हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को तत्काल इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए ये गोरक्षा के नाम पर जो हिंसा है, काउ विजिलेंटिज्म, इसको आतंकवाद की श्रेणी में ले लेना चाहिए। ये आतंकवाद छोड़कर का और कुछ नहीं है और इस आतंकवाद पर रोक लगनी चाहिए। गोरक्षा के नाम पर जो भी दल चल रहे हैं उसको गैर कानूनी घोषित करके इनको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कानूनी ढंग से। मोदी जी ने खुद कुछ दिन पहले एक चर्चित अपने भाषण में उन्होंने कहा कि गोरक्षा के नाम पर जो लोग काम कर रहे हैं ज़्यादातर एंटी सोशल एलिमेंट हैं और वो अपने अपराध को बढ़ाने के लिए गोरक्षक का चोला ओढ़ लेते हैं। और तो इस जहाँ प्रधानमंत्री ने खुद इस हकीकत को कबूल किया लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ और इसके चलते ये लगातार हिंसा बढ़ रही है, हत्याएं हो रही है। हरियाणा में आपने देखा कि एक तरफ बंगाल के एक प्रवासी मजदूर सबीर मलिक की हत्या हो गई पीट पीट करके, वहीं 12वीं का एक छात्र आर्यन मिश्रा उसको भी गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई। तो इस पर साफ कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से जो घरों को दुकानों को तोड़ा जा रहा है जगह जगह देश में, इस पर चिंता व्यक्त करते हुए इस पर रोक लगाने की बात की और एक गाइडलाइन जारी करने की बात की। हमें ये भी लगता है कि ये बुलडोजर का जो हमला है ये कोई बुलडोजर जस्टिस नहीं है, ये जस्टिस के खिलाफ बुलडोजर है। संविधान पर, कानून के राज पर ये बुलडोजर चल रहा है और कतई इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी गाइडलाइन की बात कर रहा है जल्द से जल्द इसको लागू करके बुलडोजर हमलों पर रोक लगाई जाए। वहीं दीपांकर भट्टाचार्य ने वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन करने के मोदी सरकार के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सीपीआई एमएल वक्फ बोर्ड के कानून में संशोधन करने के फैसले को वापस लेने के पक्ष में है। केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन के लिए एक बिल पेश किया और उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 13 तारीख तक लोगों से राय मांगी है। हम लोग, हमारे दो सांसदों ने भी इस पे आज राय भेज दी है, ये कहते हुए कि हमारी नज़र में ये जो संशोधन प्रस्तावित है ये अनावश्यक है और इस बिल को वापस ले लेना चाहिए। हम जो समझ पा रहे हैं इस बिल को पढ़ने से कि इस बिल के ज़रिए वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीन है, जो संपत्ति है, सरकार उस पर कब्जा जमाना चाहती है और यहाँ वक्फ बोर्ड का जो अधिकार था उस अधिकार को वक्फ बोर्ड से लेकर के एक तरह से कलेक्टर के ऊपर, रेवेन्यू अथॉरिटी के ऊपर ये अधिकार सौंप देने की बात हो रही है। और ये हमें लगता है कि इस देश में कोई भी सच्चर कमेटी ने कहा था कि वक्फ बोर्ड में सुधार की आवश्यकता है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, ज़रूरत है, लेकिन वो जो 1995 का कानून था, 2013 में इसमें कुछ संशोधन किए गए, इसके बाद आगे का कोई भी संशोधन हो ये संबंधित सभी पक्षों से बात करके व्यापक राय मशविरा करके होना चाहिए और मौजूदा जो संशोधन बिल है इसको वापस ले लेना चाहिए। वहीं भट्टाचार्य ने बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के विरुद्ध में चल रहे आंदोलन की भी तारीफ की है। भट्टाचार्य ने मध्य प्रदेश में कई महिलाओं के साथ बर्बरता पर बीजेपी नेताओं से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए ठोस कानून बनाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में पिछले एक महीने से एक जबरदस्त हम एक आंदोलन देख रहे हैं। आरजी कर अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बलात्कार और नृशंस उनकी हत्या हुई, इसको लेकर के बंगाल में लगातार एक महीने से बहुत बड़े पैमाने पर नागरिक समाज, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ की महिलाएं, छात्र समाज सबका आंदोलन चल रहा है। ये अपने आप में एक पूरे देश में
बलात्कार के खिलाफ, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और स्वास्थ्य व्यवस्था के अंदर जो भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन है। ऐसा आंदोलन हाल के वर्षों में हमने कहीं देखा नहीं, तो इस आंदोलन को हम समर्थन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब स्वतः इस मामले को अपने हाथ में ले लिया और जांच सीबीआई को सौंप दी गई, लेकिन लगातार तारीख पे तारीख, अभी 17 सितंबर की डेट आई है और अभी तक इस सीबीआई की जांच से कोई भरोसा नहीं जगा, तो बंगाल में जो वी वांट जस्टिस, ये जो डिमांड उठी है, हम समझते हैं कि पूरे देश की आवाज़ है। और ये सिर्फ बंगाल में एक घटना को लेकर के नहीं है, अभी मध्य प्रदेश जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दो चार दिन पहले की खबर थी, दिन दहाड़े सड़क पर, खुली सड़क पर उज्जैन में एक बलात्कार हुआ, जो मुख्यमंत्री का अपना विधानसभा केंद्र है और वहाँ उसको रोकने के बजाय उसके लोग वीडियो बनाते रहे। कल की रिपोर्ट है कि इंदौर में दो सेना के अधिकारी, वो रात में दो अपने मित्रों के साथ कहीं जा रहे थे, दो महिलाओं के साथ, और सेना के अधिकारियों के साथ वहाँ जो गाड़ी में दो महिलाएं थी उनका सामूहिक बलात्कार कर दिया गया। ये मध्य प्रदेश की रिपोर्ट है। तो लगातार इसलिए मामला सिर्फ बंगाल का नहीं है या सिर्फ गार्जिकर का नहीं है, मुजफ्फरपुर में एक दलित लड़की के साथ ऐसा हुआ, उत्तर प्रदेश में लगातार हथरस में, उन्नाव में ऐसी घटना की रिपोर्ट आती रही। इसलिए ये पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा का, उनके सम्मान का, और ख़ास तौर पर जो 2013 में वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो संशोधन हुआ था और जिसमें देश की आधी आबादी से सरकारों ने वादा किया था कि कार्यस्थल में किसी तरह के महिलाओं के ऊपर कोई हमला नहीं होगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और संपूर्ण सुरक्षित रहेंगी महिलाएं, और लेकिन इसके साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डॉक्टरों की सुरक्षा के साथ साथ आम महिलाओं की सुरक्षा और ख़ास तौर पर कार्यस्थल में जो यौन शोषण की घटनाएं हो रही हैं, इस पर रोक लगाने की दिशा में सार्थक कदम उठाए। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को और भी कड़े कानून बनाने चाहिए। वहीं आम महिला की हिफाजत के लिए पुलिस को एक खास प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।